21 साल की उम्र में अगर तुम डिप्रेशन में हो ना तो हमको मिल जाओ तो बहुत मारे। ये प्रोग्राम तुम्हारे लिए शुरू किया भाइयों, अपने बहनों के लिए, कि जो घर बैठे हैं, नहीं बाहर आ सकते, नहीं बता सकता कोई उन्हें कैसे क्या करना है, नहीं पैसा खर्चा कर सकते, करो तैयारी और पढ़ा देंगे, मैं इकोनॉमी पढ़ा देंगे, हमें कौन सा खरीदना है ये सारी चीजें, हमें तो भगवान मुफ्त में दे रहा है, पॉलिटी पढ़ा देंगे, पढ़ा देंगे। पर तुम पढ़ो, डिप्रेशन में मत आओ, डरो मत। कोई महान पैदा नहीं होता, कोई भगवान पैदा नहीं होता, साधना करनी पड़ती है। ये तो तुमको पुरोहितों ने सालों से डरा के रखा है, ऐसे भगवान जो है इससे थोड़े भगवान, इंसान भगवान बन जाएगा, बनेगा, बुद्ध बने नहीं थे, महावीर तुम्हारी आंखों पे पर्दा डाल दिया गया है, भय दिखा के दे दिया गया है, डर बहुत बड़ी चीज है, आईएस कुछ भी नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है, मेरे लिए है, आपके लिए नहीं है, मेरे लिए है। मेरा भैया आईएस को पढ़ाकर ही घर चलता है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है। तुम योद्धा आईएस बनो, प्रधानमंत्री बनो, भगवान बनो, तुम्हारे पास तो पूरा रास्ता ही खुला हुआ है। योग्यता की पूजा हर जगह होती, तुम योग्यता डेवलप नहीं करते और सबसे चाहते हो कि सम्मान मिले। इस दुनिया में मनुष्य का कोई सम्मान नहीं है, देख तो किसी को, हर दिन जाके चंद्रमा पे जल चढ़ाना, दिखाई नहीं पड़ता। भैया हमको समझ में नहीं आ रही जिंदगी क्या है। बतनीश, तू एक बार सिर्फ सूरज और चांद को देख ले, तुझे समझ में आ जाएगी जिंदगी क्या है। यहां जिसके पास ताकत है, जो ऊर्जा देता है, जो जीवन देता है, लोग उसकी पूजा करते हैं। सूर्य, वही सूर्य सऊदी अरब में नुकसान पहुंचाता है तो वो नहीं करते। डेजर्ट है ना, मरुस्थल है ना, कौन सी किताब पढ़ोगे। तुलसी को भगवान मान लिया, है ही भगवान, कैंसर जैसे रोग को खत्म कर देती है, इतना छोटा सा पौधा भगवान, यूटिलिटी। और कैक्टस घर में हल्का सा निकला, उखाड़ के फेंक दिए। अब तुम्हें डिसाइड करना है, जितने गुण तुम्हारे अंदर होंगे और उस गुण से समाज को फायदा होगा, उतनी तुम्हारी समाज में स्थान होगा। अब तुम डिसाइड करोगे कि तुलसी बनोगे या कैक्टस। सुबह बहुत सारे लोग देखो सो रहे होगे, अभी आंख खुली होगी। अगर तुम्हारा उद्देश्य तुम्हारे अंदर उत्तेजना नहीं पैदा करता तो तुम खत्म, उठो। कब तक सोगे यार, चारों तरफ सब कुछ जल रहा है,